नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत बात करेंगे बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य के बारे में। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। अब इसकी जो है थोड़ी व्याख्या करके देखेंगे। सबसे पहले दुख को देखते हैं। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार में सब कुछ दुखमय है। जन्म, मृत्यु, रोग, नाश, अप्रिय से संग, प्रिय से वियोग, इच्छित वस्तु को न पाना, इसके अलावा जो सुख मिलता है वह भी दुख ही है, क्योंकि सुख प्राप्त करने में जो है दुख होता है। अगर सुख मिल भी जाता है तो उसे जाने का जो है भय बना रहता है। सुख तो क्षणिक है, नाशवान है। जो इस सत्य को समझ लेता है तो वह जीवन से विरक्त हो जाता है, दुख से उसे छुटकारा मिल जाता है और वह इस तरफ जो है दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। दूसरा है दुख समुदाय। उनका कहना था कि संसार में जो भी दुख है उसका कारण है, जिसका जो है विश्लेषण उन्होंने प्रतित्य समुत्पाद में जो है दिया। इसके अनुसार दुखों का मूल कारण जो है अविद्या है। उन्होंने दुख समुदाय की 12 कड़ियाँ की जो है चर्चा की। पहला था अतीत से संबंधित, इसके अंतर्गत अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप। दूसरा था वर्तमान से संबंधित, इसमें आता था खडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव। तीसरा था भविष्य से संबंधित, इसमें जो है जाति, जरा, मरण। तो ये जो है 12 कड़ियाँ था, जिसमें जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को लिया गया था, क्योंकि अतीत से वर्तमान होता है और वर्तमान से जो है भविष्य बनता है। यही जो है दुख समुदाय में बताया गया। तीसरा है दुख निरोध। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का कोई न कोई कारण होता है। अगर इस कारण का ही अंत हो जाए तब उस अवस्था को दुख निरोध या निर्वाण कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन काल में भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अवस्था को प्राप्त होने से मनुष्य राग, द्वेष, मोह, अहंकार, काम, क्रोध इत्यादि पर जो है विजय कर लेता है, यानी विजय की उसे प्राप्ति हो जाती है। इन सब चीज़ों पे उसे कर्म में आसक्ति नहीं होती है। वह प्राणी संसार में रहकर भी सांसारिकता से जो है दूर रहता है और उसे जो है किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। इसे जो है जीवन काल में भी प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य में जो है दुख निरोध का जो है उपाय बताया है, जिससे सभी प्रकार के दुख का अंत हो जाता है, जिस पर चलने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस मार्ग को जो है अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसके अंतर्गत है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। लास्ट में ये था बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। आगे हम जो है इन अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।